चलिए बढ़ा जाए। करण भाई आराम से है ना? हमारे डालेश्वर जी, आज हम लोग पौना टुंगरी गुफा में आए हैं घूमने। शूटिंग लोकेशन देखने आए हैं, कल शूट होगा यहीं पर। करण भाई नहीं रहेंगे लेकिन, बीमार है अभी, बेड से उठा के लाए हैं इनको। कितना मस्त लोकेशन है, लोकेशन यही रहेगा सर। टाइम बचे तो डैम निकलेंगे भैरू जलाशय। जय श्री राम। यहाँ के बाद जाएंगे, एक रोमांटिक सॉन्ग है ना, यहाँ बढ़िया आएगा। डैम का अपोजिट साइड देखिए, ये अभी हम लोग ये सीढ़ी से उतरे हैं। ये नीचे का लोकेशन देखिए, कितना हरा भरा सुनहरा मौसम लगता, पूजा पाठ हो रहा है, सारी पूजा। ठीक है, हाँ चला जाएगा फिर वो दान में। ले ले वीडियो पनिया सालों भर पानी रहता है। बाबा खूब मेहनत करते हुए हैं। जय श्री राम। भोले बाबा विराजमान है वहाँ पर हिमालय गुफा में। बाबा कितना पुराना है मंदिर जी? बाबा कितना पुराना है मंदिर यहाँ गुफा? हाँ यहाँ 1957 ईस्वी से हमारे आषाढ़ के महीना में भुवनेश्वर गिरी छत्तर का निवासी आए थे, और 1957 ईस्वी से ये गुफा का हर महीना में पहले एकादशी के एकादशी चलता था प्रोग्राम। अच्छा। एकादशी से पूर्णिमा तक वो हर साल? हाँ हर साल, मैंने हर महीना में। अच्छा, हर महीना आषाढ़ से चालू हुआ, 1957 ईस्वी से चालू हुआ, से मैंने 5 दिन तक यहाँ प्रोग्राम चलता था। उसके बाद वो उनका अंतर ध्यान होने के बाद ने हमारे रामशरण गिरी बाबा प्रत्येक महीना एकादशी के यहाँ चला रहे हैं, और उन्हीं के आदेश से हम लोग गुफा में भंडारा का आयोजन करते किए हैं। अच्छा। हरेक मंगलवार। अच्छा। मंगलवार को, हरेक मंगलवार, हरेक मंगलवार को भंडारा चलता है, और उसको समय मिलता है तो एकादशी के पहुँच जाते हैं, और कहीं जग जाजन ने पकड़ा गए तो हम लोग यहाँ जागरण करते हैं। तो वही है रामशरण जी? हाँ, उनका जो भुवनेश्वर गिरी है। अच्छा, जो मूर्ति लगा हुआ है ना? हाँ, भुवनेश्वर गिरी का मूर्ति है, और हमारे रामशरण बाबा गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं छत्तर में। अच्छा, यह मेला कब कब लगता है? मेला रंथ यात्रा में लगता है द्वितीया के। अच्छा, खूब भीड़ लगता है, यहाँ गुफा तक भी पूरा भीड़ रहता है। जगह के बारे में बताइए, कौन सा? यहाँ का महिमा अपार है। यहाँ हम लोग कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन यहाँ का जो जिसका फायदा होता है वही समझता है। यहाँ सबसे प्रथम विराट भगवान का मूर्ति बनाने में डिमरा के गौरंग जी आए थे, मूर्ति बना रहे हैं, और श्यामलाल उसका साथी था, वो बस्ती गया सत्तू तो आने के लिए। इधर भगवान क्या किया, भगवान विराट रूप वही श्यामलाल के रूप ने
जो साथी था उसी के रूप में आया और यहाँ खिचड़ बना करके दो गोल लड़का के भेजा और गौरंग को जाके बोला बच्चा कि बाबा तुहरा है वो बोलैले हो तो के तो है वो तू समझ गया कि श्यामलाल होगा। अब गुफा आया उधर रोरी का पत्ता था वहाँ से लाया दोनों परसा खाया उसके बाद में गांजा बनाया श्यामलाल वही भगवान के रूप में श्यामलाल जी और गांजा पिए दोनों और उसके बाद कहे कि मिस्त्री जी काम करिएगा हम थोड़ा बस्ती तक नहीं जा रहे। गौरंग जी चले गए फिर विराट भगवान का मूर्ति बनाने लगा उसके बाद में उधर से सत्तू लेके श्यामलाल जी आए श्यामलाल जी कह रहे हैं कि मिस्त्री जी चलिए खा लीजिए। अरे अभी आप हमको खिचड़ी बना के खिलाए हैं और कहते हैं कि अभी चलिए सत्तू लाए हैं। दोनों में झगड़ा हो गया। श्यामलाल कहे कि ओ मैंने देरी हो गया से चलते मैंने पोखर मारता है मैंने मिर्चा एक झलझली देता है। अरे भाई नहीं हो ऐसा बात नहीं है आप खिचड़ी बना खिलाए अचंभव पड़ गए यही का हुआ। उसके बाद में गुफा बल इसका प्रमाण दो हमको तो गुफा दोनों लड़ लड़ लाए यहाँ देखे कि तसली में जो खिचड़ बना था वो चूल्हा गर्म है जहाँ खाया है तहाँ जूठा गिरल है पत्तल भी है ये सब चमत्कार होगा गांजा पिया है सो मने जर्थी भी गिरल है। आप दोनों अचंभव हो गए गौरंग जी सोचने लगे कि कहीं किचिन उचिन होगा हमको बना के खिला दिया तो हम रातें भर में जय जय सिया राम हो जाएंगे। फिर बाबा के पास गए हमारे सदगुरु बाबा भुवनेश्वर गिरी वह कहे कि गौरंग जी आप धन्य हो धन्य हो गए आप थोड़ा सा उनको पैर पकड़ते और नहीं छोड़ते तो आपको उद्धार कर देते। साक्षात भगवान दर्शन साक्षात जगह कौन सा है जगह परिचय दे दीजिए आदमी लोग आएगा किसे आया वही हमारे मतलब जगह बता दीजिए कौन सा जगह है कहाँ पर स्थित है ये गुफा। ये गुफा पूना पर्वत धाम इसका नाम है कहीं भी जाइएगा तो पूछिएगा कि पूना पर्वत धाम कहाँ है चितरपुर है ना तो चितरपुर से बड़की पूना पड़ता है बड़की पूना से दक्षिण दिशा में पड़ता है पूना पर्वत धाम। ये बहुत दूर तक ये लौटता है मंदिर बन गया है ना और रात को लाइट वूट जलता है तो बहुत दूर तक दिखाई दिखता है दूर से है ना। यहाँ का पूना पर्वत का यही महिमा है और यहाँ जो भी धारणा करता है उसका सफल हो जाता है। अगल बगल के लोग इसे किस नाम से जानते हैं यहाँ पूना पर्वत के नाम से पूना पर्वत धाम यहाँ इनका नाम है और ये धाम जगह है बहुत ऐसा आदमी यहाँ तीर्थ करने के लिए भी आता है दर्शन करने के लिए पूजा प्रत्येक दिन होता है पूजा होवे करता है कि पूजा मतलब मंगलवार को विशेष पूजा हाँ विशेष पूजा मंगलवार को। चलिए ठीक है बाबा।